ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं फेव मंथ की स्टार्ट करूँ। तो फेबररी की यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी हूँ। जनवरी आपकी कंप्लीट हो गई है, अप्रैल कंप्लीट हो गई है, लेकिन बीच में फेबररी और मार्च रह गई थी। तो पहले हम लोग ये मैगजीन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है अप्रैल के बाद वाले मंथ देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक एज यूजल हमारी इकॉनमी की होती है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। और प्रीवियस जो भी मंथ की आपको देखनी है, बस एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में आकर आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपकी यहाँ पे रिलेटेड है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है तो आपको अभी पूरी तरीके से पता चलने वाली है, बट फिलहाल पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है ये रेफर करता है कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हैं, और इससे जो है गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा मनी, और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, अपनी जो खर्चे है उसको कम करना पड़ता है। सेकेंड है कि इस तरीके से क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्या होता है ना कि हमारे इकॉनमी के इंटरेस्ट रेट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थर्ड है कि जो हाई मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो आपको देखने को मिलेगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे लेसर इनकम हमारे इकॉनमी में बनती है। तो आपको इन तीनों में बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पर आसानी से अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अगर आप लोग इस इफेक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो फिर तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगी ही नहीं। ओके, सो नो इशू। यहाँ पे फैक्ट ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे गलती भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप लोग को सीखने का एक और चांस है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो नो डाउट द ऑप्शन विल बी डी। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ही होता है क्राउडिंग आउट, ठीक है। क्राउडिंग इन होता है, क्राउडिंग आउट होता है, तो यहाँ पे क्राउडिंग आउट है। इट मींस कि यहाँ पे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो है वो ये ऐसे देखती है कि कितना उनका जो स्पेंडिंग है, उनका जो खर्चा होता है वो बढ़ रहा है, और जब खर्चे बढ़ते हैं तो क्या करना होता है कि गवर्नमेंट को बोरो करना होता है। या तो वो कहीं से भी बोरो कर सकते हैं, अपने इंडिया में बोरो कर सकते हैं, या तो फिर एक्सटर्नल बोरो कर सकते हैं। और बोरो करने से क्या होता है कि कर्जा हो गया गवर्नमेंट के ऊपर, जब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेंगे कि अपने खर्चे को, जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, उसको कहीं ना कहीं कट डाउन कर देंगे। जस्ट वैसे ही होता है कि मान लीजिए कि आपको घर से जो है 1,000 रुपये आ रहे हैं, 1,000 के साथ आप लोग ने क्या किया कि अपने खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। 1,000 में आप लोग जो है ड्रेसेस खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, जस्ट इमेजिन, मैं 1,000 ही ले रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दिल पे मत लीजिएगा। तो 1,000 से क्या होता है कि आप लोग इससे ज़्यादा खर्च कर लिए। अब आपने खर्च कर लिया 1,500, तो 500 आप क्या करोगे, फ्रेंड से बोरो कर लोगे, है कि नहीं, या फिर भाई बहन से आप बोरो कर लोगे, तो आप चले गए घाटे में। अब ये काम आप लोग क्या किए हो ना कि आप लोग जो है खर्चे कर लिए अपने किसी और के लिए, मान लीजिए फ्रेंड्स का बर्थडे है या फिर फ्रेंड्स की कुछ पार्टी वगैरह है, उसमें आपने खर्च कर दिए, तो इसमें क्या हुआ कि आपका 1,500 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, 1,000 से 500 आपने बोरो भी कर लिया। तो इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ पर्सनल नीड होगा, आपको किसी भी चीज़ की, छोटी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मान लीजिए टूथपेस्ट खत्म हो रहा है, सोप खत्म हो रहे हैं, शैम्पू खत्म हो रहे हैं, तो वो भी आप खर्चे जो है ना कहीं कट डाउन कर दोगे। आप बड़े बॉटल की जगह शैशे खरीद के लाओगे, 1 रुपया 2 रुपया की, भाई बस ये मंथ चले जाए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ किसी भी तरीके से जुगाड़ हो जाएगा, जब फिर पैसे आएंगे तो देखा जाएगा, है कि नहीं। सेम यही सरकार के साथ भी करना पड़ता है, समटाइम सरकार के भी जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरीके की जो आप केसेस देखोगे ना वो इलेक्शन के टाइम में होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खर्चे करते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को इस तरीके का स्टेप उठाना पड़ता है। इससे क्या है कि हमारे इकॉनमी की जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो इनकम जनरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। ये भी, ये सारी एक दूसरे से लिंक है, तो ये सारी चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द 15 फाइनेंस कमीशन जो न्यू आपका फॉर्म हुआ है, इसमें कंसीडर किया गया है कौन कौन सी पैरामीटर्स जो कि आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे आपका टैक्स की डिवीजन होती है, तो स्टेट के शेयर में किस किस पैरामीटर में जाती है। इट मींस कि फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, जो टैक्स आता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो स्टेट में जो यहाँ पे शेयर दिया जाता है तो उसमें किस किस पैरामीटर के बेसिस पे आपका शेयर दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। सो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 2011 की पॉपुलेशन सेंसस है, सेकेंड यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, थर्ड यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टेट है, फोर्थ यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। तो इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है आपको ये बतानी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ओके, सो 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस है, ये नो डाउट ये तो क्वेश्चन होगी ही, ये आपका पैरामीटर तो होगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही देखा जाता है
साथ ही फॉरेस्ट कवर भी देखा जाता है। जब फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट निकल कर आता है तो उसमें ये देखा जाता है कि किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है। तो इसके बेसिस पे भी जो है ना आपका टैक्स का डिवोल्यूशन होता है। फिर एरिया ऑफ स्टेट, ऑब्वियस है कि कोई स्टेट बड़े है जैसे कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इसमें आपका उस हिसाब से भी आपका जो है ये आपका दिया जाता है शेयर। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि किसी स्टेट के अगर यूथ पॉपुलेशन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी देखा जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन हो गई वो ऑल ऑफ द अबव हो गई, इट मीन्स कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गई। 14 फिनेंस कमीशन की आप बात करो तो ये न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि पहले जो 14 फिनेंस कमीशन तक था वो 42% स्टेट के शेयर को देते थे, उससे पहले जो था वो 32% देते थे। तो इस तरीके का शेयर इंक्रीज़ किया गया, लेकिन 15 फिनेंस कमीशन में क्या हुआ कि स्टेट के शेयर को घटा दिया गया, 1% ही यहाँ पर आपका घटाया है। और इसमें जो आपका यूज़ किया जा रहा है वो एक डेमोग्राफिक एफर्ट्स भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 15 फिनेंस कमीशन की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका क्या क्या रखा गया, 2011 की पॉपुलेशन है, साथ ही साथ इसमें फॉरेस्ट कवर भी आ गया, टैक्स इफोर्ट भी है, एरिया ऑफ स्टेट है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पॉइंट याद रखनी है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि है आरबीआई बोर्ड के बारे में, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो आरबीआई बोर्ड है एक बड़ी है जिसमें कि आपको कुछ ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे सेंट्रल बैंक के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सेकेंड स्टेटमेंट, जो बोर्ड है ये रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि जो आपका नोट होता है, बैंक का नोट होता है, उसका कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा फॉर्म होगा, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाएगा और कब और कैसे जो है इसको लीगल टेंडर जैसा सर्व किया जा सकता है। थर्ड है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आरबीआई बोर्ड की बोर्ड को ये सुपरसीड नहीं कर सकते और इसके द्वारा जो डायरेक्शन इशू किया गया है सेंट्रल बैंक को उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये सुपरसीड नहीं कर सकते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकेंड ऑनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। तो बताना है, तो यहाँ पे अगर बात करें आरबीआई बोर्ड की, इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आरबीआई अपने आप में ही हमारे सेंट्रल बैंक है, इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो आरबीआई बोर्ड है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट क्या है कि आरबीआई बोर्ड के मेंबर कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर कुछ मेंबर जो है आपके सेंट्रल बैंक के होंगे, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे। सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट में आप आओ तो यहाँ पर बोर्ड का काम ही यही है ना कि जितने भी बैंक नोट होता है, जैसे आज की डेट में हम लोग एकदम न्यू बैंक नोट के साथ जी रहे हैं, 200 की हो, 500 100 की हो, 2000 की हो, बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन किया गया है, इसमें न्यू फॉर्म है, न्यू डिज़ाइन, न्यू मटेरियल है, न्यू साइज़ है। तो ये सारा चीज़ किसके द्वारा बताया जाता है, ये आरबीआई बोर्ड बताती है। साथ ही साथ इस नोट्स का जो लीगल टेंडर होता है वो कब और कैसे आपको सर्व करना है ये भी आपका आरबीआई बोर्ड के द्वारा बताया जाता है। जैसे 2018 में 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन किया गया जिसके थ्रू 500 के नोट्स और जो 1000 की जो नोट्स थी उसके लीगल टेंडर को ख़त्म कर दिया गया। कहने का मतलब है कि वो लीगली जो है अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बायर्स और सेलर्स के द्वारा, तो उसका लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया। तो ये ऑर्डर भी किसके द्वारा दिया जाता है, आरबीआई बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सुपरसीड नहीं कर सकती आरबीआई बोर्ड की कोई भी डिसीजन को या फिर ये अगर कोई भी डायरेक्शन देते हैं सेंट्रल बोर्ड को, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी मेंबर है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उतना ही पार्टिसिपेशन है कि वो आरबीआई बोर्ड के अगर कोई भी डिसीजन है तो उसको सुपरसीड भी कर सकती है। यानी कि जैसे कोई बात हुआ अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सहमत नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बात रख सकते हैं, उनके बातों को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ओके। यहाँ पे आप लोग डिटेल पूरा पढ़ सकते हो, साथ ही साथ आप लोग देखो कि बोर्ड में जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं जिसमें कि आप देखो गवर्नर है और अप टू 4 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के वो भी है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर भी होंगे जिसमें कि 10 डायरेक्टर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के देखने को मिलेंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, 1 डायरेक्टर होंगे हर एक 4 लोकल बोर्ड के जो कि आरबीआई के होंगे। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इतना रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। जो आरबीआई एक्ट की सेक्शन 7 है उसमें गवर्नमेंट को ये इम्पावर किया गया है कि आरबीआई बोर्ड को वो सुपरसीड कर सकती है और इनके द्वारा जो इशू दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन इशू किया गया उसको भी वो सुपरसीड कर सकती है अगर इसको पब्लिक इंटरेस्ट के नेसेसरी में हो तभी। यानी कि अगर जनता के नेसेसरी में हो, जनता के हित में अगर कोई बात हो तभी वो यहाँ पे आरबीआई बोर्ड का जो भी बात कहा जा रहा है, जो भी डायरेक्शन दिया जा रहा है उसको सुपरसीड कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, यहाँ पे आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये एक डेट आपका सिक्योरिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉर्पोरेशन के द्वारा ही आपका इशू किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओनरशिप इंटरेस्ट नहीं होता है जो भी कंपनी इसको इशू करती है, अनलाइक जब हम लोग कोई भी कंपनी की इक्विटी स्टॉक को परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एक ओनरशिप इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है।
थर्ड है कि इंडिया में जो फाइनेंसिंग है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो फाइनेंसिंग होता है, जैसे कि आपके रोड है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, तो ये हायर होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड के अगर हम लोग इसको कंपेयर करें बैंक लोन या फिर गवर्नमेंट के फाइनेंस के। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा सा अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, मेरी अगर लेक्चर भी सुनते हो विजन आई इसकी, तो थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग कल ही इवनिंग में अप्रैल मंथ की इकॉनमी में देखे थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, तो उसमें मैं ये इस तरीके की थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी कि मैं वहाँ पर बातें की थी। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की कि ये सिर्फ यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, प्राइवेट कॉरपोरेशन के द्वारा ही इशू किया जाता है, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली है रॉन्ग है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, नो डाउट। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस जब किया जाता है तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड से हायर हो, और किसके कंपैरिजन में, गवर्नमेंट फाइनेंस और बैंक लोन के कंपैरिजन में, नहीं ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। हम लोग क्या पढ़े थे, मैं पढ़ाई थी कल ट्विन बैलेंस शीट। ट्विन बैलेंस शीट में हम लोग देखे थे कि जो बैंकों का हालत है वैसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर का भी हालत है, दोनों में एनपीए की इशू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। ये 2017 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके द्वारा हम लोग डेटा को ये फेच किए थे, है कि नहीं। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड के द्वारा जो यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू बैंक लोन, ये तो बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट आंसर कौन सी होगी, थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड ऑनली, इट मीन्स कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है एक तरीके का बॉन्ड क्या होता है, जब कोई भी आपका बॉन्ड इशू किया जाता है ना, तो जस्ट बिकॉज कि उसको पैसे की ज़रूरत होती है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया जा रहा है, किसी भी तरीके का म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया जाता है, मसाला बॉन्ड इशू किया जाता है। यस, मसाला बॉन्ड के बारे में आप लोगों को बताना है, एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, जिस किसी को भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। मसाला बॉन्ड के बारे में एक यूनिक फीचर है मसाला बॉन्ड की, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो इस तरीके का बॉन्ड सरकार क्यों इशू करती है, ये इसलिए इशू करती है कि उनको पैसे रेस करना होता है, ठीक है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशन के द्वारा ही इशू किया जाता है। कंपनी जो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड को इशू करती है वो मनी रेस करने के लिए होती है, और वो भी पर्पस बहुत ज़्यादा, कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे कि कोई न्यू प्लांट बनानी हो, कोई इक्विपमेंट को खरीदना हो, या फिर कोई बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, तो इस तरीके का आपका रहता है। इंडिया में आप देखोगे तो सारे वेल फंक्शनिंग जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो उसकी एब्सेंस देखने को मिलती है। जो बर्डन है फाइनेंस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जैसे रोड है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो ये आपका बैंकों के ऊपर आता है और जनरल गवर्नमेंट के ऊपर आता है, ना कि यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू आपका ज़्यादा होता है। ओके, तो कॉमन सेंस से भी आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही आसान सा ये सारा स्टेटमेंट होता है, बस आप लोग को थोड़ा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ फूड इन्फ्लेशन। सो फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन की FAO है, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो यहाँ पे मेज़र की है कि इंटरनेशनल प्राइस जो बास्केट ऑफ मेजर फूड कमोडिटीज़ का है उसके चेंजेस के बारे में वो यहाँ पे मेज़र किया जाता है। सेकेंड है कि 2014 से 2019 के बीच FAO की जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से स्टीडली यानी कि स्टीडली आपकी डिक्रीज हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट तरीके से, रेगुलर तरीके से जो है ये डिक्रीज़ हो रही है। थर्ड है कि यहाँ पे 2014 से 2019 के बीच जो इंडिया की कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट तरीके से आपका डिक्रीज़ हो रही है। तो बताना है कि तीनों में से यहाँ पे करेक्ट कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहाँ पे आप लोग को करेक्ट बतानी है। सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे जो आपका ये इंडेक्स है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो यहाँ पे फूड प्राइस मेज़र इंडेक्स है, ये बस यही देखती है कि जो इंटरनेशनल प्राइस है, मींस जो मेज़र फूड कमोडिटीज़ है उसमें क्या चेंजेस आया है। तो फर्स्ट बहुत ही सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड आप देखोगे तो 5 साल का यहाँ पे गैप बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि स्टीडली डिक्रीज़ है, यहाँ पे भी स्टीडली डिक्रीज़ है, तो थोड़ा सा डाउट करने पर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दी ऑप्शन इज़ ए, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारी करेक्ट हो गई। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन की जो ये इंडेक्स है यहाँ पे यही मेज़र किया जाता है कि फूड कमोडिटीज़ की जो यहाँ पे बास्केट है उसमें क्या मेज़र चेंजेस देखने को मिला है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ग्राफ है, इससे आप लोग देख सकते हो, ये इंडिया का बताया जा रहा है, जो आप लोग देख सकते हो कि ये रेड वाली है CPI फूड इंडेक्स है, और ये जो है आपका FAO का फूड इंडेक्स है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये डिक्रीज़ नहीं हुआ है, दोनों में ये आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 2014 से यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये देख सकते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़, अप एंड डाउन है, लेकिन अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस पर भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ DICGC, दिस इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जैसे कि आप लोग बैंक में जाकर अपने पैसे रख देते हो तो किसके गारंटी पे रखते हो, बैंक की गारंटी पे रखते हो, लेकिन बैंक भी यहाँ पे इंश्योरेंस रखती है। आप जितना भी पैसे जमा करके रखते हो तो उसमें आपका कुछ आपका जो है कुछ वहाँ पर इंश्योरेंस रखता है रहता है कि अगर मान लीजिए कि बैंक अगर कल को डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो आपको कुछ लिमिटेड ही अमाउंट मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतने ही अमाउंट का आपका इंश्योरेंस हो पाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि जो यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये पूरी तरीके से सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सेकंड है कि ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक कानून है जो कि है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की। और यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना जितने भी डिपॉजिट किए जा रहे हैं, और एक गारंटी देना कि क्रेडिट फैसिलिटी होगी, यानी कि जितना भी आप सेविंग रखते हो बैंकों में उसमें आपको क्रेडिट दिया जाता है, तो वो बस इसी कानून के द्वारा दिया जाता है। थर्ड है कि इसके अंदर क्या है कि सारे बैंक डिपॉजिट को इंश्योर किया जाता है, जैसे कि आपका सेविंग बैंक हो, सेविंग अकाउंट हो, फिक्स्ड अकाउंट हो, करेंट हो, ये रिकरिंग डिपॉजिट हो, तो सब में आपका जो है यहाँ पर डिपॉजिट में आपका इंश्योरेंस दिया जाता है, और वो भी यहाँ पे 5 लाख तक हर एक डिपॉजिट जो कि बैंकों में होता है। ठीक है, तो आपको करेक्ट बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट डी हो गई। ठीक है, तो हाँ जी, ये पूरी तरीके से आपकी RBI की ही सब्सिडरी है, और ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है इसी कानून के तहत जो कि 1961 की है, जिसमें कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, और इंश्योरेंस ये सारे बैंक डिपॉजिट पर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, फिक्स अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या रिकरिंग अकाउंट हो। और आपकी यहाँ पर जो है 5 लाख तक की हर एक डिपॉजिट को यहाँ पर जो है आपका फिक्स किया जाता है, तो बैंक अगर डूबे भी तो आपको इतने अमाउंट तो ज़रूर मिल जाएंगे। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अरेंज करना है फूड ग्रेन्स को, जो भी यहाँ पे 2018 से 19 में आपका प्रोड्यूस हुआ है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी हुई है, फिर और सबसे कम किसकी हुई है, उस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करनी है। वीट, राइस, बाजरा, ऑल पल्सेस, ज्वार। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट या राइस जो है इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पैदावार होता है, लेकिन अगर आप लोग और दिमाग लगाइएगा तो इससे पता चल जाएगा कि राइस जो है ना पूरे 12 महीने पूरे इंडिया में ये आपका सबसे ज़्यादा प्रतिशत में इसका प्रोडक्शन होता है। तो नो डाउट 2 पहले आएगा, और 2 जहाँ जानी है उसको एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद आपको दिख रहा है कि 1 है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे वीट हो गया, फिर ऑल पर्सेस हो गया। फर्स्ट जाओगे आप यहाँ पे कि बाजरा ज़्यादा है या फिर ज्वार ज़्यादा है, ये आप लोग को फंसा सकता है क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी यहीं पर आकर हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बाजरा ज़्यादा है, ज्वार कम है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप तुक्का लगा दी और लक अच्छा है तो सही हो सकता है, अदरवाइज़ आप लोग जो है गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर ज्वार और बाजरा का कौन देखता है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को तो देखना ही है क्योंकि आप लोग UPSC एस्पिरेंट हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2018-19 का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए राइस का सबसे ज़्यादा है, फिर वीट का है, फिर पल्सेस का है, फिर ज्वार का है, फिर बाजरा का है, फिर ज्वार का है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे लगाए थे, राइस हो गया, वीट हो गया, ऑल पल्सेस हो गया, फिर बाजरा हो गया, फिर ज्वार हो गया। ठीक है, चलिए आइए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो IIP है एक इंडेक्स है जो कि यूज़ किया जाता है जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हमारे इंडियन इकॉनमी में, और इसके वॉल्यूम में, यानी कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है उसी के वॉल्यूम को यहाँ पे मैप करके यहाँ पे आपका जो है परफॉर्मेंस देखा जाता है। सेकेंड है कि अगर हम लोग सेक्टोरल क्लासिफिकेशंस देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे हाईएस्ट वेट है, क्योंकि आपको 8 कोर सेक्टर देखने को मिलेंगे IIP के अंदर, तो उसमें से भी जो क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग 8 कोर सेक्टर में, तो बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे हाईएस्ट वेट है। अब आप बताइए कि ये सही कि नहीं। थर्ड है कि अगर हम लोग यूज्ड वेस्ट क्लासिफिकेशन देखें जो कि अडॉप्ट किया गया है कुछ कैटेगरी में, जैसे कैपिटल गुड हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है, जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके सारे IIP डेटा का, तो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली एंड फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो नो डाउट ये बिल्कुल करेक्ट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हाईएस्ट वेट नहीं है, ये आपकी रिफाइनरी की हाईएस्ट वेट होती है। तो सेकेंड आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो भी आप आंसर तक नहीं पहुँचोगे, क्योंकि फर्स्ट ओनली और फर्स्ट एंड थर्ड है, तो थर्ड आपको पता होना चाहिए जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगी। ओके, आइए देख लेते हैं
इसमें आपका इंडेक्स रखा जाता है, इसमें आपका डेटा रखा जाता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। आईआईपी की डेटा रीड अगर देखें तो दो तरीके से है इसके डेटा को समझने का, या तो आप लोग ड्रिल डाउन कर लो आईआईपी की जितनी डेटा है उसको देख लो, या फिर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख लो। तो ये सेक्टोरल क्लासिफिकेशन क्या है, सेक्टोरल क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग है जो कि हाइएस्ट आपकी यहाँ पर वेट है, उसके बाद माइनिंग है, उसके बाद आपका शेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सो ओ सॉरी मुझे ये मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 8 कोर सेक्टर्स जो है ना उसमें आपकी रिफाइनरी की ज़्यादा वेट है, लेकिन ये सेक्टोरल क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा वेट है। ओके तो ऐसे भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो सही निकाल ली कोई बात नहीं, ये लग था मेरा, बट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन देखिए तो इसमें प्राइमरी गुड्स है जैसे कि आपका माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फर्टिलाइजर है। कैपिटल गुड्स में कितना है, मशीनरी आइटम है। इंटरमीडिएट गुड्स है जैसे कि केमिकल, सेमी फिनिश्ड स्टील आइटम्स, ये सारी है। इंटरमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स आप देखो पेंट, सीमेंट, कैप, केबल और ब्रिक्स वगैरह ये सब है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल में क्या है, टेलीफोन है, गारमेंट है, पैसेंजर व्हीकल है। नॉन ड्यूरेबल में क्या है, फूड आइटम्स है, मेडिसिन है, टॉयलेट्रीज है। नॉन ड्यूरेबल कहने का मतलब है कि जिसका आपका एक्सपायरी डेट होता है, एक सर्टन एक्सपायरी डेट्स होती है। ओके तो ये सारी की वेट भी आप लोग देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 9th क्वेश्चन, और यहाँ पे है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपको करेक्ट बताना है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक सी जोन है जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें कि स्टेट के पास एक स्पेशल राइट होती है अपने उस रिसोर्सेज को, जो मैराइन रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करना और यूज़ करना। बड़ी अच्छी बात। सेकंड है कि यहाँ पे आप देखोगे कि बेस लाइन से ये 200 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि कोस्ट से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक ये जो आपका जोन है वो आपका एक्सटेंड होता है। थर्ड है कि अगर हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में देखें तो जो कोस्टल स्टेट है उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होती है कि वो यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड को बना सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके तो पहली स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रिस्क्राइब करती, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर तक पहुँच गए जो कि बी है। सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, ईईजेड आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक ही होती है और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा राइट होता है उस कोस्टल स्टेट को कि वो वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हैं और साथ ही उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है 1982 की यूनाइटेड नेशन की एक कानून है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसी के द्वारा यहाँ पे स्पेशल राइट दिया जाता है कि जो भी स्टेट है उनके मैराइन रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ओके कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है हम के बारे में, हाइब्रिड एनविटी मॉडल, तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये न्यू फॉर्म है बॉट का। सेकेंड है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे 60% प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, वो भी फर्स्ट 5 ईयर। सेकेंड है, थर्ड है कि यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है कि टॉल को कलेक्ट करे, वो भी डेवलपर के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड। सो अगर यहाँ पे बात करें 10th में हम की, तो हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हाइब्रिड एनविटी मॉडल है, यानी कि दो मॉडल को ये जोड़ के बनाया गया है, तो ये बॉट का न्यू फॉर्म तो है नहीं। फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे 60% नहीं 40% प्रोवाइड करेगी। थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम में आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी राइट नहीं होता है कि टॉल को कलेक्ट किया जाए डेवलपर के लिए, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके या इंडिया में आप देखोगे कि जो न्यू हम है ये मिक्स है बॉट एनुइटी का और ईपीसी मॉडल का, और एज़ पर द डिज़ाइन देखें तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे 40% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना वो फर्स्ट 5 ईयर में, वो भी एनुअल पेमेंट, एक साल की पेमेंट में, यानी कि इसको एनुइटी बोल रहे हैं इसलिए, वो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। रिमेनिंग पेमेंट जो है वो यहाँ पे एसेट के बेसिस पे जो है आपका दिया जाएगा परफॉर्म डेवलपर को। एनुइटी यहाँ पे हाइब्रिड एनुइटी की अगर बात करें तो फर्स्ट 40% पेमेंट होगा जो कि फिक्स्ड अमाउंट है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, और वहीं पर 60% जो है वो यहाँ पे वेरी एबल एन्युटी अमाउंट में आपका पे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ओके सो यहाँ पे हमारे इकोनॉमी के 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ, तो इसी तरीके से डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमारी 10 दिन में, एक हफ्ते में ये भी हमारी जो है जल्दी फिनिश हो जाएगी। ओके सो आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए, और अगर ये लेसन आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो बस लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।